नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच में चुनावी बिगुल बजने वाला है। बता दें कि बिहार में उपचुनाव की लेकर तैयारी शुरू हो गई है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी अब चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इधर नीतीश कुमार बिहार से बाहर जाकर विपक्षी एकता को एकजुट कर रहे हैं, तो वहीं देश के गृह मंत्री का बिहार में दौरा होने वाला है। ऐसे में इन दिनों बिहार की सियासत में तेजी देखी जा रही है। बता दें कि बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच में मंथन का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि गोपालगंज, कुर्नी और मोकामा में विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है। बिहार में होने वाले उपचुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। इस उपचुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बता दें कि बिहार में बीजेपी के साथ साथ महागठबंधन ने भी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में बिहार में नई बनी सरकार का परीक्षण भी हो जाएगा कि इस नई सरकार में कितना दम है। हालांकि दोनों ही तरफ से नेता चुनाव जीतने का दम भर रहे हैं और दोनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे इस उपचुनाव में कई संकेत और कई समीकरणों को भी हवा मिलने की बात कही जा रही है। तो आइए अब एक एक कर समझते हैं तीनों विधानसभा की स्थितियों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोकामा विधानसभा सीट के बारे में। मोकामा विधानसभा सीट पर पहले अनंत सिंह विधायक थे, लेकिन AK-47 रखने के मामले में उनकी विधायकी चली गई। अब इस सीट पर चुनाव की घोषणा होने वाली है। बता दें कि अनंत सिंह राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और जीतने में भी कामयाब हुए। अब अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी इस सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा रख रही है और पार्टी से टिकट की भी उम्मीद रखती है, लेकिन पार्टी की तरफ से कोई स्पष्ट संकेत अभी तक नहीं मिले हैं। बता दें कि इस सीट पर जातीय दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो भूमिहार बहुल इलाका है। यहाँ से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की भी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि ये वहाँ से सांसद हैं। साथ ही साथ राजद की यह चाह रही है कि ए टू टेट फार्मूले के साथ चुनाव लड़ा जाए। ऐसे में देखना यह है कि इस सीट पर किसे जीत मिलती है, लेकिन अनंत सिंह की पत्नी इस सीट के दावेदार के रूप में देखी जा रही है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो इन्होंने भी अभी तक कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिए हैं कि किसे टिकट देना है, लेकिन उन्होंने एक चाल जरूर चली है जिसमें उन्होंने विजय सिन्हा को सदन में विधायक दल का नेता बनाया है। ऐसे में अब यह देखना है कि भूमिहार बहुल इस इलाके में विजय सिंह के बहाने बीजेपी को कितना लाभ मिल पाता है। इस सीट पर मुकेश सहनी ने भी अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। अब बात गोपालगंज की। गोपालगंज की सीट पर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री रहे सुभाष सिंह के निधन हो जाने के बाद यह सीट खाली हुई। बता दें कि सुभाष सिंह बीजेपी के टिकट पर विधायक थे। ऐसे में यह उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी सुभाष सिंह की पत्नी को टिकट देकर सहानुभूति वोट अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी, लेकिन राजनीति के जानकार यह भी बता रहे हैं कि गोपालगंज लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, तो ऐसे में यहाँ कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस बार बीजेपी के सामने महागठबंधन है और महागठबंधन में नीतीश और लालू दोनों एक साथ होंगे। हालांकि अगर टिकट की बात की जाए तो यह बताया जा रहा है कि गोपालगंज से जदयू के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हो सकते हैं। इस सीट पर मुकेश सहनी ने भी चुनावी ऐलान कर दिया है, यानी कि चुनाव मैदान में वो रहेंगे और अपने कैंडिडेट यहाँ भी उतारेंगे। कुर्नी विधानसभा में वर्तमान में अनिल सहनी राजद के कोटे से विधायक हैं। बता दें कि दिल्ली की एक कोर्ट में शनिवार यानी कि पिछले दिनों अनिल सहनी को यात्रा महंगाई भत्ते की धोखाधड़ी के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में कहा जा रहा है कि इनकी विधायकी यानी कि आने वाले दिनों में इनका विधानसभा की सदस्यता जो है वो रद्द हो सकती है। ऐसे में गोपालगंज और मोकामा की ही तरह यहाँ भी चुनाव होने की पूरी संभावना है। कुर्नी विधानसभा को अगर हम बात कर लें तो यह सीट मल्लाह बहुल सीट है। ऐसे में इस विधानसभा सीट के लिए मुकेश सहनी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी इस सीट पर केदार गुप्ता का नाम सामने आ रहा है, वहीं राजद की तरफ से अभी नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि राजद जाति को ध्यान में रखते हुए यहां उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। मुकेश सहनी की दिलचस्पी के बाद से यहां त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो अब जो मीडिया में खबरें बन रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि तीनों विधानसभा की सीट पर एक तरह से कह लें कि बीजेपी और महागठबंधन लालू और नीतीश की जोड़ी का एक तरह से कह लें कि लिटमस टेस्ट हो जाएगा, एक अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों की ही जो है अभी हाल ही में बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी है और लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में यह पहला चुनाव होगा। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।